एवरीवन, आज हम लोग कैल्केरिया फॉस्फोरिका के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम कैल्केरिया फॉस भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम है फॉस्फेट ऑफ लाइम। इसके प्रूवर है हेरिंग। अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन का यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन। तो जैसा कि इसके नाम में ही क्या है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो ऐसी हर जगह जहां पे हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस पाया जाता है, तो वहां पे इसका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे हमारी टीथ हो गई, यहाँ पे कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। बोन्स हो गई, यहाँ पे इसका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। हमारी बॉडी की टिश्यूज हो गई, यहाँ पे भी इसका एक्शन बहुत अच्छा होगा। जीआईटी सिम्टम्स में, हेडेक के कंप्लेन्स में, रूमेटिज्म में इसका एक्शन हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मेंसेस के समय के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम इसके पर्सन की बात करते हैं कि इसका पर्सन देखने में कैसा होगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। तो इसका पर्सन जो होगा ना, बहुत ज्यादा पतला दुबला होगा, इमेसिएटेड होगा, वीक पर्सन होगा। और उसके बाद एब्डोमन जो होगा सनकेन, मतलब धसा हुआ, और फ्लैवी स्किन जो है ना, लूज जैसी स्किन होगी उसके एब्डोमन की, ठीक है। और उसके बाद इसका कलर कैसा होगा पर्सन का, डार्क कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलेगा, ब्लैक हेयर, ब्लैक आईज, ब्लैक स्किन कलर, ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा हमें। और इसका पर्सन जो होता है चिली पेशेंट होता है, सोरा मियाज देखने को मिलेगा, गाउटी एंड रूमेटिज्म डायर्थेसिस, मींस कि कहीं ना कहीं जोड़ों का अफेक्शन हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स की बात करते हैं। तो कैल्केरिया फॉस, इसका बहुत ज्यादा अच्छा एक्शन हमें अगर किसी पर्सन में बोन में कर्वेचर देखने को मिल रहा हो, स्पेशली लॉन्ग बोन्स, जैसे हमारी टीबिया हो गई, फिबुला हो गई, रेडियस हो गई, स्पाइन बोन हो गई, यहाँ पे अगर कर्वेचर देखने को मिल रहा हो, और उसके बाद अगर कभी चोट लगा हो, उसके बाद माल यूनियन देखने को, मतलब आसानी से ना जुड़ रहा हो, या तो जहां जुड़ना चाहिए था हड्डी को वहां ना जुड़ के दूसरी जगह जुड़ रहा हो, उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा हमें। और उसके बाद कोई बच्चा है, उसका फंटेनेल जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, वो भी स्पेशली जो हमारा पोस्टीरियर फंटेनेल है ना, वो ओपन हो, काफी लंबे समय तक ओपन ही रह जाए, और अगर क्लोज भी हो जाए तो फिर से रीओपन हो जाए, मतलब क्लोज एंड रीओपन लगा हुआ हो हमारे फंटेनेल का, उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसका एक्शन हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि इसका पर्सन जो होता है ना, बहुत ज्यादा वीक पर्सन होता है, इतना ज्यादा वीक होता है कि खुद की बॉडी का भी वेट नहीं संभाल सकता। इसका अगर बच्चा है तो उसका हेड बहुत ज्यादा बड़ा होगा और नेक बहुत ज्यादा वीक होगी, इस वजह से वो अपने हेड को भी होल्ड नहीं कर पाएगा, ऐसा प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद स्लो इन लर्निंग एंड वॉक, इसका पर्सन जो बहुत लेट में सीखेगा कैसे चलते हैं, जैसे बच्चे यूजुअली 8-9 महीने तक चलने लगते हैं, बट इसका बच्चे में हमें बहुत ज्यादा लेट देखने को मिलेगा, चलने की प्रोसीजर भी 1.5 साल के बाद चलना शुरू कर रहा। अगर ऐसे बच्चे में प्रेजेंटेशन है, बहुत ज्यादा वीक है बच्चा, उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसका एक्शन हमें बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। इसमें हमें बहुत ज्यादा क्रेविंग देखने को मिलती है सॉल्टी स्मोक्ड मीट की, मतलब जो हम आग में भूनते हैं वैसे स्मोक्ड मीट की, इसमें बहुत ज्यादा डिजायर देखने को मिलती है हमें। और उसके बाद क्या होता है, ये पर्सन जो होता है अगर अपने कंप्लेंट्स के बारे में सोचता है, जैसे अगर उसको जोड़ों में दर्द है, रूमेटिज्म है, और उसके बारे में वो सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके कंप्लेंट्स जो है ना बढ़ जाएंगे। अगर कंप्लेंट्स बढ़ते हैं थिंकिंग से, तो उसके लिए और कौन कौन सी मेडिसिन है, तो हमारी बेराइटा कार्ब हो गई, मेडोराइनम हो गई, ऑक्जेलिक एसिड हो गई, हेलोनियोस हो गई। ये सारी मेडिसिन में क्या देखने को मिलता है कि सोचने से कहीं ना कहीं इसके डिसीज में एग्रोवेशन देखने को मिलता है हमें। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा है उसमें क्रोनिक हाइड्रोकेफेलस, इसको हम हाइड्रोसेफेलस भी बोलते हैं कई लोग, तो अगर क्रोनिक हाइड्रोकेफेलस देखने को मिल रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये भी कहा जाता है कि अगर कोई वुमेन है, उसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में हिस्ट्री रही है, मतलब जो वो पहले प्रेग्नेंट हुई थी तो उसमें हिस्ट्री रही है कि उसका बच्चा जो था उसमें हाइड्रोकेफेलस मिला है और वो फिर से प्रेग्नेंट है, तो इसका यूज हम कर सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव, कि मतलब उसको दोबारा हाइड्रोकेफेलस, अब जो बच्चा होने वाला है उसको ना हो, उसके लिए हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस पर्सन में हमें हमेशा एब्डोमन में पेन देखने को मिलेगा, जब भी पर्सन खाना खाएगा कोलिक पेन हमेशा बना रहेगा। उसके बाद हमें जो हमारी नेवल होती है, अम्बाइलिकस होती है, नाभि जिसे हम बोलते हैं, उससे अगर ब्लडी ओजिंग देखने को मिल रहा हो इन्फेंट्स में, नवजात शिशु जो होते हैं ना, उसके अम्बाइलिकस से,
ओजिंग हो रही है, वो भी मैं ब्लडी फ्लूड लाइक, जैसे खून जैसा ओजिंग देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यही अगर यूरिन की ओजिंग हो रही हो इन्फेंट में, नवजात शिशु में, तो हम हायोसाइमस नाइगर के बारे में सोच सकते हैं, उसका एक्शन हमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि नमनेस देखने को मिलेगी हमें इसके अफेक्टेड एरियाज में, जैसे एकदम सुन्न पड़ गया हो, इनफैक्ट इंटरनल ऑर्गन्स में भी ऐसा लगेगा कुछ रेंग रहा हो, क्रम्बलिंग हो रही हो, उसके बाद ऑर्गन्स जो है सुन्न पड़ गए, ऐसा प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके एलिमेंट फॉर्म की बात करते हैं कि इस पर्सन में कोई भी चीज कैसे स्टार्ट होती है। तो कोई भी ग्रीफ हुआ हो, मतलब अगर कोई जिसको ये बहुत ज्यादा चाहता था उसकी डेथ हो गई हो, उसकी वजह से अगर पर्सन में कोई दुख हुआ हो, या तो डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, किसी से प्यार करता था उसके बदले मुझसे प्यार नहीं मिला, वहां से इसकी कोई भी कंप्लेन स्टार्ट होती है, अगर ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिले उसके बाद, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। अब हम हेडेक की बात करते हैं, तो हेडेक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली उस कंडीशन में जब वेदर चेंज होने की वजह से या ठंड की वजह से हेडेक देखने को मिल रहा हो और बस्टिंग नेचर का हो, वो भी मैं स्पेशली स्कूल गर्ल्स में, जो बच्चियां स्कूल जाती हैं उन लोगों में अगर हेडेक देखने को मिल रहा हो, उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अब स्कूल गर्ल्स की बात हुई है तो नैट्रमयूर को भी हम कंपेयर कर लेते हैं। नैट्रमयूर भी हमारी स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली वो लड़कियां जो एनीमिक होती हैं, कहीं ना कहीं खून की कमी देखने को मिलती है जिनमें, उन लोगों के लिए मेडिसिन बहुत अच्छी है। खून की कमी हो रही है और सनराइज टू सनसेट हेडेक देखने को मिल रहा है, स्पेशली लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हेडेक है, सूर्य के उदय होने से सूर्य अस्त तक हेडेक देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा हेडेक है, एनीमिया भी देखने को मिल रहा है, खून की कमी है। और उसके बाद क्या होता है कि नमक भी बहुत ज्यादा लेते हैं, ऊपर से भी खाना खा रहा है तो ऊपर से भी नमक का यूज करिए, और उसको हेडेक ना फीवर के साथ भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हेडेक का कैरेक्टर कैसा होगा, जैसे कोई 1000 हैमर से उसे मार रहा है, मतलब जैसे हथौड़ी से उसके सर को पीटा जा रहा है, उतना ज्यादा दर्द देखने को मिलेगा और पर्सपाइरेशन से हमें रिलीफ होगा। मीन्स क्या होगा, अगर पर्सन में स्वेटिंग हो जाए तो उस कंडीशन में हमें रिलीफ देखने को मिलेगा। ये हमारे नैट्रमयूर की बात थी। अब हम इसे तो GIT में हम एब्डोमेन में देखते हैं, तो पर्सन जब भी कुछ खाता है तो उसके बाद इसमें हमें कोलिक पेन देखने को मिलता है, स्टमक में बहुत ज्यादा पेन होगा और उसके बाद बहुत ज्यादा बर्निंग भी देखने को मिलती है हमें अराउंड द नेवल, जो हमारी नाभि होती है उसके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा पेन भी देखने को मिलता है, नाभि से भी कहीं ना कहीं हमें इन्फेंट्स में, नवजात शिशु में ब्लडी ओजिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम इसके डायरिया सिम्टम्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड डेंटेशन, मतलब पहली बार जब दांत आता है जन्म के और जब दांत टूटने के बाद दोबारा दांत आता है, उस समय अगर किसी बच्चे में डायरिया देखने को मिल रहा हो, डायरिया कैसा हो, बहुत ज्यादा ग्रीनिश हो, बहुत ज्यादा बदबूदार हो, जैसे फिश की स्मेल होती है ना, वैसा अगर डायरिया की स्मेल आ रही हो, उस कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं, इसका एक्शन हमें बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं रूमेटिज्म की। रूमेटिज्म के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर किसी के पर्सन में जोड़ों में दर्द देखने को मिल रहा हो हमें, चाहे वो हमारे स्मॉल जॉइंट्स हो या लार्ज जॉइंट्स हो, अगर उसमें दर्द हो रहा हो और दर्द की कंडीशन जो है ना ठंड के समय में, विंटर के सीजन में बढ़ जाता हो और उसके बाद पतझड़ के समय में भी बढ़ता हो, लेकिन बसंत ऋतु में कहीं ना कहीं इसमें हमें रिलीफ देखने को मिलता हो, उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके मेंसेस की, तो ये मेंसेस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर वुमेन में मेंसेस बहुत अर्ली आ जाए और बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिले, स्टार्टिंग में कैसा हो, ब्राइट कलर का हो, ब्राइट रेड हो, उसके बाद जो कलर हो ना डार्क होता जाए, उस कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं और मेंसेस के समय में भी हमें हेडेक देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हम ल्यूकोरिया की बात करते हैं, अगर ल्यूकोरिया मॉर्निंग के समय में वॉश हो रहा, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ल्यूकोरिया के कंडीशंस बढ़ रहे हो और ल्यूकोरिया का कैरेक्टर कैसा हो कि एकदम व्हाइट कलर का ल्यूकोरिया देखने को मिले, जैसे हमारा अंडे का व्हाइट पार्ट होता है, अगर वैसा ल्यूकोरिया देखने को मिले, उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो अगर किसी पर्सन में सफोकेटिंग कफ हो रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा घबराहट, सफोकेशन हो रहा है, जैसे एयर नहीं आ रही, ऐसी सेंसेशन आ रही, उसके बाद खांसी देखने को मिल रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, ये बहुत यूजफुल है। अब हम इसके बच्चे की थोड़ा सी बात कर लेते हैं, तो इसका बच्चा जो है बहुत ज्यादा इरिटेबल होगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होगा, बात बात पे गुस्सा हो जाएगा एंड हर बात पे घर जाना चाहेगा, जैसे हमें ब्रायोनी एल्बम में भी देखने को मिलता है कि वॉन्ट टू गो होम,
वैसा ही प्रेजेंटेशन यहाँ के बच्चे में देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज और यहाँ पे मिलती है कि अगर बच्चा घर में है तो वो बाहर जाना चाहता है, घर के बाहर घूमने जाने की डिमांड करेगा, ऐसा प्रेजेंटेशन होता है। और बच्चे में हेड बड़ा होता है और उसके बाद फंटेनेल्स काफी लंबे समय तक ओपन देखने को मिलेंगे हमें, और उसके बाद इसका बच्चा बहुत ज्यादा वीक होगा, अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसकी वॉकिंग भी बहुत लेट देखने को मिलेगी, मतलब चलना बहुत लेट सीखेगा। उसके बाद उसके दांत भी बहुत लेट आएंगे, दांत जब भी आएंगे तो बच्चे में डायरिया की कंप्लेन देखने को मिलेगी, बच्चा बहुत पतला दुबला होगा। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अब हम इसके जनरल मोडालिटी की बात करते हैं तो एग्रावेशन हमें वेदर चेंजेस से देखने को मिलेगा, कोल्ड से, कोई भी चिली थिंग से हमें इसमें एग्रावेशन देखने को मिलता है। और एम्ब्लियोरेशन किससे होगा, पर्सन को रिलीफ जो है वार्म एप्लीकेशन से, वार्म थिंग से पर्सन को अच्छा लगेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।